हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन लूथरा है और वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मैं क्लासेस 9th और 10th के लिए साइंस लेता हूं और 11th 12th जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th को ये बिलोंग करता है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। वैसे तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है जो किसके मोशन मूवमेंट की वजह से होता है, चार्ज। कौन सा वाला चार्ज? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो करंट प्रोड्यूस होता है और जो एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मेनली हमारे पास तीन मेजर चेंजेस या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें से एक होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट। तो इफेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी के तीन होते हैं, हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो हमारे पास पूरा एक नया चैप्टर डेडिकेटेड है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसी क्लास के अंदर। और केमिकल इफेक्ट के अंदर काइंड ऑफ इस चैप्टर में तो कुछ खास ऐसा नहीं है, बट हमारे कुछ टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर हमने करंट पास करके केमिकल रिएक्शन करी है या केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमको क्या मिलता है, करंट या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अलग अलग चैप्टर्स, टॉपिक्स अलग अलग इफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ। अगर आप अपने आगे पीछे आसपास कहीं पे भी देखें तो किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। Everything around us exists as neutral. अगर वो न्यूट्रल है और चार्ज पार्टिकल हमारे पास दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो इसका मतलब है कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज के पास या किसी भी न्यूट्रल चीज के पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है उनका नंबर बराबर है। वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। सबसे छोटा चार्ज कैरिंग पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जनरल नॉलेज में शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। एक एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल, और इसके पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बेटा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब इस एटम की जो न्यूट्रलिटी है वो इस वजह से आती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनका नंबर जो है बराबर होता है, नंबर इज इक्वल। किसी भी एटम के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। अब वैसे तो हमें चार्ज के बारे में नहीं बताया गया, बट हम फिर भी इस चीज को शेयर कर लेते हैं। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे बराबर होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। कूलम चार्ज का यूनिट होता है। तो दोनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। लेकिन अगर मैं इनका साइज कंपेयर करूं, जो प्रोबेबली हमको छोटी क्लास में नहीं बताया जाता, तो अगर आप मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का साइज है, राइट, ये डॉट जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे एक ऐसा स्फेयर चाहिए, सर्कल चाहिए, जिसके अंदर ऐसी 2000 डॉट्स आ जाए। अप्रोक्सीमेटली 2000 डॉट्स अगर आ जाती हैं तो वो
प्रोटॉन बन जाता है। तो दोनों के मास में फर्क 2000 टाइम्स का है, बट दोनों के चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये बन गया कि हर फॉर्म ऑफ मैटर नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो न्यूट्रल है, क्योंकि वो बना तो एटम्स का ही हुआ है, और एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो जाहिर सी बात है कि चार्ज होगा नहीं ओवरऑल, और उस वजह से वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। तो ऑल फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो क्या है, न्यूट्रल। पर अब सवाल ये उठता है, तो ये चार्ज आता कैसे है? याद रखना, हम चार्ज को नहीं बना सकते, पर हम चार्ज्ड बॉडीज को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बड़ी क्लासेस में हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, पर हम यहां पे बड़े सिंपल से, सोबर से, डिसेंट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कीजिए, तो हमारे पास एक ग्लास रॉड है और हमारे पास क्या है, एक सिल्क। हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से मूव करके कहां चले जाते हैं, सिल्क पे चले जाते हैं। मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि भाई इसके पास नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर थे, पर अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, और इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे पर इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन आए, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाता है, सिल्क के ऊपर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। इसका मतलब है रबिंग की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, चार्ज। ऐसा ही अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एबोनाइट रॉड को हम किसके साथ रब करते हैं, वूल के साथ। तो हमने देखा कि वूल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज, जिसकी वजह से एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और सिंस वूल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज, उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। हालांकि हमारे पास तरीका होता है इनको टेस्ट करने का कि किस पे नेगेटिव चार्ज आया, किस पे पॉजिटिव चार्ज आया, पर हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिंपली बात कर रहे हैं कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो कोई चीज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होती है। जो चीज ट्रांसफर हो सकती है वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। सर क्यों? क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड होते हैं एटम के अंदर, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, गेन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बट ओवरऑल लॉस एंड ओवरऑल गेन ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, विल रिमेन द सेम। तो हम चार्ज्ड बॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं पर हम चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इस वजह से हमने बनाया एक लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो क्या कहता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज को ना ही हम बना सकते हैं, पर हम उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आप लोगों को इतना पार्ट समझ में आया। इसके बाद हमारे पास एक
बहुत ही अच्छा लॉ आता है जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, चार्ज के ऊपर ही। ये वैसे तो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, पर हम इसको अभी पढ़ सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ। अब वो कहते हैं कि दो बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज पे कोई ना कोई चार्ज है। भाई अगर तो दोनों बॉडी पे सेम चार्ज होगा तो वो हमेशा रिपेल करती हैं, और अगर दो बॉडीज के ऊपर डिफरेंट चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को रिपेल करेगी, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को क्या करेगी, रिपेल करेगी। पर अगर एक पे चार्ज पॉजिटिव है एक पे चार्ज नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा, और अगर एक पे नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है, बात एक ही है, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पर लाइक चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना। तो ऑपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट और लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव क्या करेंगे, हमेशा रिपेल। और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो कूलम ने हमें क्या बताया, लेट सपोज दो चार्जेस हैं, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज क्या है Q2। हमने बताया नहीं किसी पे चार्ज पॉजिटिव है किस पे चार्ज है, चार्ज है। अब अगर चार्ज है तो उस हिसाब से उनके पास रिपल्सिव भी हो सकता है फोर्स, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। भाई फोर्स तो है ना, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। तो वो कहते हैं कि फोर्स कितना है, कैसे निकालें। लेट सपोज इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का सेपरेशन है वो क्या हो गया, आर। मैंने इसको ले लिया एक चार्ज, इसको ले लिया दूसरा चार्ज। तो वो कहते हैं दो बॉडीज के बीच में जो भी फोर्स होगा ड्यू टू चार्ज, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them। तो फोर्स जो उन दो चार्जेस के बीच में होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उनके चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, और वो इनवर्सली डिपेंड करता है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उनके बीच में चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज्यादा आएगा, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास फोर्स है ना, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो वो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ जाता है, के जिसको हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम उसको, कूलम्स कांस्टेंट। तो ये था हमारा लॉ, कूलम्स लॉ बेस्ड ऑन चार्जेस। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसके बाद वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप जरा ध्यान से समझिएगा, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम इस डेफिनेशन पे आ सकते हैं, इस स्टेटमेंट पे आ सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जो एक हाइट पर है, लेट्स सपोज एक बॉल है जो एक हाइट पर है h। आप जैसे ही इस बॉल को
रिलीज करोगे, छोड़ोगे अपने आप, ये बॉल नीचे रोल डाउन करेगी और फ्रॉम हायर हाइट टू अ लोअर हाइट आ जाएगी. मूव्स फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर पॉइंट बी. ये सब जानते हैं क्योंकि यहां पर उसके पास ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी है, हाइट अटेन करी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास. ऐसे ही अगर आप दो बॉडीज लेते हो, हॉट बॉडी और दूसरी है कोल्ड बॉडी, तो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी में क्या होगा, हॉट बॉडी हीट रिलीज करना शुरू करेगी, कोल्ड बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, गेन करेगी, अपने आप होगा. हीट विल फ्लो है ना फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, अपने आप. हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी. वो कब तक फ्लो करती है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं आ जाएगा, है ना. तो अगर मैं इसका टेम्परेचर कितना मान लू T1, इसका टेम्परेचर मान लू T2, तो दैट इज टिल T1 बिकम्स इक्वल टू T2, अपने आप. आपने कुछ नहीं किया, आप दो, आप गर्म चाय का कप रख लीजिए, गर्म दूध का ग्लास रख लीजिए, मिल्क का ग्लास, जैसे ही आते हैं आप 5 मिनट देखते हैं, 10 मिनट देखते हैं, वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है, क्योंकि वो हॉट ऑब्जेक्ट जो है, हॉट बॉडी जो है, वो हीट रिलीज कर रही है सराउंडिंग पे और सराउंडिंग उसको गेन कर रही है. हॉट बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर रहा है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली क्या कर रहा है, राइज कर रहा है. राइट, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप होते हैं, समझ में आ गया. ऐसे ही चार्ज भी ट्रांसफर करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे ही चार्ज भी अपने आप ट्रांसफर होता है, मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. कैसे करता है मूव, हम उसकी बात करेंगे. तो आओ समझते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. लेट सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है जिसको हमने किससे मार्क किया, क्यू, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसके आगे पीछे एक स्पेस होता है जहां पे अगर आप कोई दूसरा चार्ज ले आओ सेम ऑपोजिट, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स. तो लेट अस अज्यूम कि ये है वो स्पेस इसके आगे पीछे, इस स्पेस में के बाहर एक और चार्ज है छोटा क्यू, अभी वो यहां पर है, तो नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड. क्यों, क्योंकि वो उसके स्पेस से, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वॉल्यूम से क्या है, बाहर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक ऐसा स्पेस होता है एक चार्ज के आगे पीछे, जहां पे अगर आप कोई दूसरा चार्ज ले आते हैं सेम या फिर डिफरेंट, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ और रिपल्सिव फोर्स. तो मैं जब इसको बाहर रखता हूं तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जब हम इसको एक पॉइंट से कहां ले आते हैं, यहां पर पॉइंट ए पे, तो हम क्या करते हैं, मेहनत, वर्क डन. वो जो हमने मेहनत करी है इस चार्ज को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे चार्ज के लाने में, उस
मेहनत को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज जो आप लेकर आए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से सिंबलाइज करते हैं, और आपने उस पर कितना एनर्जी लगाया ताकि आप उस चार्ज को बाहर से एक चार्ज के पहले वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है किसी भी चार्ज के आगे पीछे, जिसके अंदर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को ले आओ तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव डिपेंडिंग दोनों पे चार्ज क्या है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो मेहनत है जो आपने क्या की है, यूज करी है, जिससे आप एक चार्ज को बाहर से कहां ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए। अब वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स। अब ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इसको हम ऐसा भी कहते हैं, इट इज द वर्क डन, इट इज द मेहनत टू ब्रिंग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। कुछ बुक्स में आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन ये भी होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक मेहनत होती है जहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, हम पॉजिटिव को अज्यूम कर लेते हैं, हमारा स्टैंडर्ड चार्ज जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, हम नेगेटिव भी ले सकते थे बट लिया नहीं, उन्होंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक मेहनत होती है जहां पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हो। एग्जैक्टली, अब आप मेहनत करोगे तभी तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। अरे भाई, ये एक मार्कर है जो एक ग्राउंड पे पड़ा है, मैं मेहनत करूंगा इसको ग्राउंड से उठाकर यहां पे ले जाने में, तो जो मेरी मेहनत हुई वो एनर्जी इस मार्कर में आ गई और वो यहां पे आ गया, तो जो मेरी एनर्जी कम हुई अब वो इसके अंदर ऐड हो गई, जिसकी वजह से इसके पास अब कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसे ही जब ये मार्कर ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, तो वो एनर्जी ट्रांसफर आ जाती है, सराउंडिंग में चली जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी आ रहा है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरी मेहनत, मेरी एनर्जी जो कम हुई वो कहां चली गई, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चली गई। क्योंकि चार्ज जब एनर्जी लेता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो एक चार्ज ने एक्सेप्ट करी क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर टेक्निकली हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, इस वजह से हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंट। अब आप देखिए, आप इस चार्ज को एक पॉइंट से यहां पे लेकर आए, अब आप इस दूसरे इसी चार्ज को एक दूसरे पॉइंट पे लेके आए बी, जब आप इसमें लेकर आए तो आपने मेहनत कितनी करी, वी वन, जब आप इस पॉइंट पे लेकर आए तो आपने मेहनत कितनी करी, वी टू। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को टेक्निकली हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वी, पर हम रिप्रेजेंट इसको भी वी से ही करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का जो डिफरेंस आता है वो भी तो पोटेंशियल ही होता है, हम इसको डेल्टा वी होता है ये, पर हम लिखते क्या है इसको, वी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वी टू माइनस वी वन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है डेल्टा वी, उसको हम क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1, ये हम मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिफाइन किया जाता है या कैसे डिफाइन किया जाता है, कितनी मेहनत लगती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या एक चार्ज को जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं, V से, कितनी मेहनत लगती है, मतलब ये क्या आ गया, वर्क डन टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाता है, चार्ज। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इज इक्वल टू W अपॉन
क्यों? अगर आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो वही चीज़ ही है, पर फर्क ये है कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने अज्यूम क्या किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात वही है। तो जब आप एक चार्ज को, है ना, कोई और बॉडी होती तो बात अलग होती, अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ ग्राउंड से एक सर्टन हाइट के ऊपर, तो ये चार्ज थोड़ी ना है, ये तो न्यूट्रल बॉडी है। इसके अंदर जो मैंने मेहनत लगाई वो कैसी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर क्यों? क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। हम जब भी कोई चीज को ग्राउंड से नीचे से ऊपर उठाते हैं तो हम किसके अगेंस्ट काम करते हैं? ग्रेविटी के अगेंस्ट। यहाँ पे जो हम बॉडी को मूव कर रहे हैं वो चार्ज है, तो जो मेरी मेहनत लग रही है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, तो मेरी एनर्जी कम हो गई, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी आई वो कौन सी है? वो क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, वन पॉइंट टू अनदर, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। जो इटालियन फिजिसिस्ट थे हमारे, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे रखा गया था। एंड इसको आप किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर। आपने नाम सुना होगा, आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा। और ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर जब भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हम बात करेंगे, जब भी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो ये हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल के अंदर। क्यों? क्योंकि इट हैज हाई रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हमें अकॉर्डिंगली फिट करना पड़ता है कि वो सीरीज में आते हैं या पैरेलल में आते हैं, जो हम इस चैप्टर का लेटर पार्ट करेंगे। बट हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल के अंदर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। एंड क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभार वो हमसे ये भी पूछते थे कि भाई डिफाइन वन वोल्ट। अब इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम देखें, वन वोल्ट क्या होगा? जब आप वन जूल ऑफ वर्क करते हैं टू ट्रांसफर वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब वन जूल, है ना, व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू ट्रांसफर वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन इट इज वन वोल्ट। तो क्लास, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के। और करंट फ्लो करने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए होती है कि दो पॉइंट्स के बीच में, जिसके बीच में करंट फ्लो होना चाहिए, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो दो पॉइंट के बीच में करंट नहीं फ्लो करता। जैसे हायर हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, है ना, जैसे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है, वैसे ही चार्ज हाई पोटेंशियल से कहाँ फ्लो करता है? लो पोटेंशियल तक। और जब वो तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। एंड जैसे ही दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। तो सर फिर हम दोबारा चार्ज कैसे लेकर आएंगे, चार्ज कैसे फ्लो कराएंगे, करंट फेस्ट कैसे फ्लो कराएंगे? हम क्या करते हैं, हम उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं। अब उस मेंटेनेंस की वजह से दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, जिसकी वजह से उन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट जो है वो फ्लो करता रहता है। हमारे घरों के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, वो फ्लो करते रहते हैं क्योंकि करंट मूव करते रहते हैं, क्योंकि ग्लो करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्योंकि करंट उनमें कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है। सर वो कैसे? क्योंकि हमने उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करके रखा हुआ है, इसलिए करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है।
तो इसके बारे में हम अपने आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। तो क्लास, आई होप आपको ये वाला लेक्चर हमारा विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, विद रिस्पेक्ट टू कूलम्स लॉ, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के साथ अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस। थैंक यू।